हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं बेलडोना के सेकंड पार्ट में, जो कि बेलडोना की काफ़ी सिम्टम अभी छूटे हुए थे उसको इस पार्ट में देखते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने जो है स्टमक तक के सिम्टम देखे हुए थे, आज हम एब्डोमेन के सिम्टम से शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो बेलडोना में कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं, जैसे जो बेलडोना में खास करके पेन जो होता है, कहीं का भी पेन हो, एक बैग आता है और एक बैग ख़त्म हो जाता है, ये कॉमन सिम्टम होता है। और उसमें इन्फ्लामेशन, फर्स्ट स्टेज की इन्फ्लामेशन होती है, यानी पेन, रेडनेस, हीट और स्वेलिंग ये मिलती है। तो फर्स्ट स्टेज की इन्फ्लामेशन में बेलडोना बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है, और कहीं भी पेन हो तो वो एक बैग आती है, और एक बैग अगर ख़त्म हो जा रही है पेन, तो ये बेलडोना का खास सिम्टम होता है। और बच्चों के केस में बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी होती है ये मेडिसिन, ग्रेट चिल्ड्रन रेमेडी मानी जाती है, यानी बच्चों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो आइए हम देखते हैं। अब इसमें एब्डोमिन सिम्टम में देखें तो एब्डोमिन इसका डिस्टेंडेड हो जाता है, यानी फूला हुआ रहता है, चढ़ जाता है, और इसमें एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच भी हो जाता है, यानी अगर एब्डोमेन को छूने पे भी परेशानी हो जाती है, पेन हो जाता है और उसमें परेशानी हो जाती है। तो अब देखते हैं इसमें स्टूल के बारे में। तो इसमें अगर पाइल्स देखें तो पाइल्स के साथ में अगर बैकेक हो रहा है, यानी बवासीर की प्रॉब्लम है, उसके साथ में अगर कमर दर्द बना हुआ है पेशेंट को, तो ये बेलडोना मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। और एनस का प्रोलैप्स होने लगता है, यानी प्रोलैप्स एनआई की प्रॉब्लम है, तो ये और ही बेहतर काम करती है। इसमें अगर यूरिन की बात करें तो इसमें प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने की वजह से पेशाब सही से नहीं होता है और थोड़ा होता है, और पेशाब होने में टेनिसमस पेन होता है, यानी दर्द होती है पेड़ों के पास, पेशाब के दौरान दर्द हो और पेशाब खुल के ना हो, थोड़ा हो, तो ये बेलडोना मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है। अगर मेल के केस में देखें तो मेल में टेस्टिकल जो होती है हार्ड हो जाती है और इन्फ्लेम हो जाती है, यानी उसमें सूजन आ जाती है, पेन होता है और रेडनेस भी कभी कभी देखने को मिलती है। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल सिम्टम में ये होता है कि मेल्स इसके जो है बहुत जल्दी आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा होता है, यानी टाइम से जल्दी हो जाए और बहुत ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में हो, तो ये बेलडोना मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। और हिमरेज जो होती है, ब्लीडिंग जो होती है, वो बिल्कुल से गरम गरम लगता है, जब ब्लड ब्लीडिंग होती है तो वो लगता है कि गरम गरम कुछ निकल रहा है, तो हिमरेज, हार्ट हिमरेज में बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है। और इसमें मेंसेस और लोकिया अगर ऑफेंसिव हो और हार्ट हो, तो ये बेलडोना मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है। बेलडोना में अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, यानी श्वसन तंत्र की बात करें, तो ये पूरा ट्रैक्ट जो है ड्राई हो जाता है, और इसकी खांसी सूखी खांसी होती है और रात में बढ़ जाती है। और इसमें अगर एक सिम्टम होता है कि प्रत्येक बीमारी के दौरान जो होता है, यानी प्रत्येक सांस में मरीज कराता रहता है, जब परेशानी होती है या जब बीमारी होती है, तो जितनी बार वो सांस लेगा उतनी बार वो मॉर्निंग साउंड निकालेगा, यानी उतनी बार कराएगा। अगर ये सिम्टम मिलता है तो ये बेलडोना में अकेली मेडिसिन होती है, इसमें और कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए इस सिम्टम में बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है। और इसमें पूरे सिस्टम में, यानी श्वसन तंत्र के सिस्टम में, सांस नली के सिस्टम में पूरा ड्राइनेस होता है, इसीलिए कफ भी ड्राई होती है। अब एक्सट्रीमिटी की बात करें तो जॉइंट में स्वेलिंग हो जाती है और पेन होती है, और एक्सट्रीमिटी बेलडोना के केस में देखी गई है कि कोल्ड हो जाती है, यानी अगर कोल्ड एक्सट्रीमिटी मिल रही है तो बेलडोना दे सकते हैं, यानी बॉडी पूरा नॉर्मल
टेम्परेचर मेंटेन किए हुए है, लेकिन अगर एक्सट्रीमिटी यानी हाथ और पैर ठंडा हो, ठंडा है या ठंडा लग रहा है, तो हम इसमें बेलाडोना मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। और इसमें अगर गर्दन में गिल्टी निकली हुई है और दर्द हो रही है, गर्दन में अकड़न हो जाती है, तो इस केस में भी जो है बेलाडोना मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। बेलाडोना की स्किन की बात करें तो ये ड्राई हो जाती है और हार्ड होती है, और कहीं कहीं पे स्वालन भी हो जाती है, यानी फूल जाती है, सूजन हो जाती है, और इसमें जो है अल्टरनेट रेडनेस और पेलनेस, कभी कभी जो है दिखता है कि कभी थोड़ी देर के लिए रेड हो गई और वो पार्ट के थोड़ी देर बाद वो येलोनेस यानी पीलापन दिखने लगता है, तो कभी ये लाल दिखता है, कभी पीला दिखता है। इस तरीके से अगर अल्टरनेट दिख रहा है स्किन पे, तो इस केस में जो है बेलाडोना मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। अगर इसमें बेलाडोना में फीवर की बात करें तो हाई ग्रेड का फीवर होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसमें, और इसमें जो है फीट आइसी कोल्ड हो जाता है, यानी पैर ठंडा है और बर्फ जैसा ठंडा मिल रहा हो और फीवर हो, तो उस केस में बेलाडोना मेडिसिन होती है और थ्रस्ट नहीं होती फीवर के केस में। वैसे तो बेलाडोना में थ्रस्ट होती है, कोल्ड वाटर पीने की डिजायर रहती है, लेकिन फीवर के दौरान थ्रस्ट नहीं होती है। तो ये अगर इस तरीके से सिम्टम मिल रहे हैं तो ऐसे फीवर में बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव काम करती है, और बेलाडोना लेते रहने से, थोड़ा दिन ले लेने से वो फीवर कितने दिन का भी पुराना क्यों ना हो बिल्कुल से सही हो जाती है। तो अब इसमें अगर स्लीप की बात करें तो स्लीप रेस्टलेस होती है, यानी ठीक से नींद नहीं आती है, उलझन बनी रहती है, और बच्चे स्लीप के दौरान चिल्लाते हैं। अगर ये बच्चों में सिम्टम मिल रहा है कि सोते सोते वो एक बैग चिल्ला देते हैं, जग जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं या चिल्ला के जागते हैं, इस तरीके से अगर सिम्टम है तो वहाँ पे बेलाडोना मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। तो दोस्तों, ये बेलाडोना के बारे में हमने जो जानकारी दी उसको समझें, और किताब और की भी किताब से कंसल्ट कर सकते हैं, और ये जानकारी अच्छी लगे तो एक दूसरे को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। ओके।